हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका फिर एक बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं मून के ऊपर। तो भाई, अपना जो है एरोप्लेन आज लैंड करेंगे हम मून के ऊपर। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो फाइनली गाइस, अभी हमें जाना है पुलिस स्टेशन से लेनी है हमें परमिशन के बाद हमें जाना है सीधा एयरपोर्ट से एरोप्लेन लेके हमें जाना है सीधा लैंड करने मून पर। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं सीधा शुरू और चलते हैं गाइस पुलिस स्टेशन। तो भाई, अभी आप देख सकते हैं गाइस, मैं अपने घर से निकल लिया हूँ भाई पुलिस स्टेशन की तरफ, और फॉर्चूनर मेरे साथ हैं। तो भाई, देखते हैं गाइस क्या होता है, मिल पाते हैं नहीं, क्या हम ग्रेविटी मून पे जा पाते हैं या नहीं। तो फाइनली गाइस, हम एंटर कर चुके हैं पुलिस स्टेशन में। तो भाई, अभी आप देख सकते हैं गाइस, दो कॉन्स्टेबल जो खड़े हैं, वो भाई ठोक दी। तो गाइस, मैंने तो यार पुलिस वाले को ही ठोक दी थी, बच गया हूँ। तो भाई, अपने को लेनी है सीधा परमिशन और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट पर। तो यार, किससे मांगू परमिशन, कौन देगा मुझे परमिशन? देखता हूँ गाइज, अंदर जाके देखता हूँ। अरे, ये भी परमिशन लेने के लिए बैठे हैं क्या? तो गाइज, आप देख सकते हैं 3-4 जने पहले से ही बैठे हैं। भाई, मैं जो है टेबल पे चढ़ गया हूँ इनसे परमिशन लेने के लिए, तो इनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। गाइज, मैं चलता हूँ ऊपर। तो यार, ऊपर भी कोई नहीं है। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं गाइज, ना तो मुझे ऊपर मिला है, ना नीचे से कोई परमिशन दे रहा है। तो फाइनली गाइज, एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने आप सीधा एयरपोर्ट, और वहाँ से लेके एयरक्राफ्ट हम जाएंगे सीधा कहाँ पे, पता ही है ना आपको, मून पे। तो फाइनली गाइज, अब मैं करता हूँ एंटर अपने फॉर्चूनर में, क्योंकि मुझे कहीं से भी किसी पर से भी परमिशन नहीं मिली है। तो गाइज, अपने को क्या है, सीधा भी चलना है एयरपोर्ट। तो भाई, बैठ चुके हैं हम अपनी फॉर्चूनर कार में, कॉन्स्टेबल जो है दोनों मुझे ही देख रहे हैं। गाइज, भाई देखते रहो, परमिशन तो तुमने दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। पर भाई, एयरपोर्ट भी अपने पास ही है गाइस, बिल्कुल जो है पुलिस स्टेशन के सामने है। तो उतरते हैं गाइस फॉर्चूनर में से। तो ये क्या हो गया गाइस, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे ओ भाई साहब। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्या खतरनाक स्टंट मारा है गाइस, जो कि नीचे आया जा रहा है ओ भाई। तो गाइज, आप देख सकते हैं फॉर्चूनर में जो है टक्कर लगी है गाइज इसकी, और ये गिर गया, अब तो बच गया गाइज, ना तो हेल्थ तो वेस्टेड हो जाता है। तो फाइनली गाइज, हम बैठते हैं आराम से बिल्कुल फॉर्चूनर कार में, हम पहुंच ही गए हैं बस एयरक्राफ्ट के पास। तो भाई, चलते हैं। और तो भाई, इसके ऊपर से कूदने से फॉर्चूनर बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो गाइज, इसको बिल्कुल आराम से रोक के खड़े करते हैं गाइज, और सीधा चलते हैं एयरक्राफ्ट में। गाइज, आपको दिख ही गया होगा मेरा एयरक्राफ्ट, जो कि मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। तो फाइनली गाइज, मैं बैठता हूँ भाई, आपको दिखा देता हूँ गाइज इसकी लुक थोड़ी सी, जो कि बिल्कुल शानदार लग रही है गाइज, काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है। तो भाई, कोशिश करते हैं कि हम मून पे जा पाए। गाइज, मैंने इन्फिनिटी हेल्थ कर ली है, जो कि कुछ भी परेशानी ना हो। तो फाइनली गाइज, मैं एंटर कर चुका हूँ एयरक्राफ्ट में, और भाई स्टार्ट करते हैं गाइज। ये लेफ्ट राइट के बटन है इसके। तो भाई, हमें जाना है सीधा मून पर। तो गाइज, चलते हैं, करते हैं एयरक्राफ्ट को शुरू। तो भाई, अपना एयरक्राफ्ट जो है शुरू हो चुका है गाइज, और कुछ ही सेकंड में गाइज हम उड़ने लगेंगे। और भाई, कोशिश तो अपनी पूरी रहेगी कि गाइज हम मून को पकड़ पाए और वहाँ पर लैंड कर पाए। तो फाइनली गाइज, ज़मीन को छोड़ते हुए एयरक्राफ्ट जो है आसमान में उड़ चुका है, बिल्कुल लंबी उड़ान के साथ, बिल्कुल आराम से गाइज, बिल्कुल इजी। तो अभी आप देख सकते हैं गाइज, मैंने मुँह सीधा जो है आसमान की तरफ कर दिया है। तो भाई, बिना रुके जाना है गाइज, कहीं भी बीच में नहीं रुकना है। तो देख दिखाता हूँ गाइज आपको इंटीरियर से, आप देख सकते हैं जो कि आसमान बिल्कुल पास ही नजर आ रहा है। तो गाइज, ऊपर की दुनिया जो है बिल्कुल ही अलग है भाई, बिल्कुल नीला नीला आसमान सा लग रहा है गाइज, जैसे आप रियलिटी में देखते हैं। तो गाइज, ऊपर जाते ही जो है कंट्रोल में खो चुका हूँ भाई एयरक्राफ्ट का, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइज क्या होगा। तो यार, ये तो नीचे को जा रहा है, मुझे लगता है ख़त्म है, डैमेज होगा। और यार, तो फाइनली गाइज, मैं कूद जाता हूँ इसमें से, क्योंकि यार जो एयरक्राफ्ट का है कंट्रोल जो है ऊपर जाते जाते जो है बिगड़ जाता है, और भाई ये वापस नीचे से आने लगता है। तो गाइज, आप देख सकते हैं भाई, मैं पहले ही कूद गया ब्लास्ट होने से पहले, नहीं तो गाइज मैं भी वेस्टेड हो जाता। तो भाई, मैं दिखाता हूँ गाइज, ये अपने आप ही आगे जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है।
तो अभी देखता हूँ यार क्या होगा। और गाइज मुझे नो भी नहीं पता है भाई, अरे कहाँ चला गया? तो गाइज पता नहीं कहाँ पे चला गया यार, क्राफ्ट जो है बिल्कुल बुरी तरीके से खो चुका है भाई। तो यार अभी मुझे भी पता नहीं है गाइज मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं, जो कि बुरी तरह से जल चुका हूँ गाइज। तो भाई कोशिश करता हूँ कि मैं मिल पाऊँ, किसी से मिल पाऊँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो फाइनली गाइज मेरे दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना भाई हेलीकॉप्टर को ऑर्डर किया जाए। हेलीकॉप्टर से जो है हमें डायरेक्शन मिल जाएगी गाइज, और कोशिश करेंगे कि हम हेलीकॉप्टर से जो है मून पर जा पाए। तो गाइज हेलीकॉप्टर जो है थोड़ा सेफ्टी भी रहेगा, उसे कंट्रोल करने में थोड़ी आसानी भी है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया है गाइज। अब देखते हैं क्या हम इससे ऊपर जा पाते हैं या नहीं। तो गाइज इससे ऊपर जाएं या ना पाए, लेकिन हमें डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। तो गाइज इसमें तो क्योंकि बहुत ही दूर दूर अगर देखते हैं तो गाइज पहाड़ी नज़र आ रहे हैं, तो भाई कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि गाइज हम कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं। तो यार देखता हूँ गाइज किधर को है अपनी जो है सड़क वड़क। तो गाइज अभी तक भी मुझे नहीं मिली है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ गाइज आगे पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार देखता हूँ कहाँ पर है कहाँ पर है। तो फाइनली गाइज मुझे कुछ दिख जाता है जो कि भाई बिल्कुल रैंप की तरह लग रहे थे। तो फाइनली गाइज शाम हो चुकी है, और ये देखिए गाइज आप देख सकते हैं जो कि रात हो चुकी है गाइज, और ऊपर से रात बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है गाइज। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बादल जो है ब्लू ब्लू लग रहे हैं बिल्कुल रियलिटी के, और जो अपना चांद है वो गाइस बादलों के पीछे छुप रहा है। तो फाइनली गाइस कहीं भी छुपो, हमें तो केवल एक ही मिशन है कि चांद पर हम जाके एयरक्राफ्ट से लैंड करें। तो भाई हेलीकॉप्टर से जो है मैंने पूरे जोर लगा लिए हैं गाइस, जो कि ये काम ये नहीं कर पा रहा है। तो भाई इसको करते हैं अभी हम लैंड नीचे ही, और मंगाते हैं दोबारा से एयरक्राफ्ट। तो गाइस क्योंकि ये जो है मिशन फेल्ड हो चुका है हेलीकॉप्टर से, तो भाई हेलीकॉप्टर में इतनी पावर नहीं है कि वो ऊंचे सीधा जा सके। तो फाइनली गाइस मैंने अपना एयरक्राफ्ट मंगा लिया गाइस, जिसका कर लेता हूँ मैं थोड़ा कलर चेंज गाइस, क्योंकि रात में कुछ चमकता ही कलर करना चाहिए जो कि हमें दिखे अच्छी तरीके से। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है RGB कलर कर लिया है गाइस, जो कि बहुत ही शानदार लगता है रात में। तो भाई अभी चलता हूँ सीधा इसको लेके एयरक्राफ्ट को। तो यार स्टार्ट कर दिया है अपना एयरक्राफ्ट गाइस, देखते हैं क्या ये पहुँच पाता है नहीं। तो भाई जोर तो पूरे लगाएंगे भाई, देखिए हेलीकॉप्टर के साथ भी बहुत ही ज़्यादा जोर लगाए थे गाइस, लेकिन हेलीकॉप्टर उससे ऊंचा नहीं जा पाया गाइस। एयरक्राफ्ट की एक खास बात है जो कि इसे जितना भी ऊँचे ले जाए उतना ये जा सकता है। तो गाइस रॉकेट का भी अपडेट जो है चीट कोड आने वाला है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, इससे भी आपको अपडेट मिलता रहे। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई एयरक्राफ्ट जो है बिल्कुल रफ्तार में गाइस सीधा बिल्कुल मुंह करे जा रहा है सीधा अंतरिक्ष में, और देखते हैं गाइस क्या हम मून पे लैंड कर पाते हैं या नहीं। तो गाइस देखते हैं क्या हमारी पृथ्वी वहाँ से दिख पाती है या नहीं। तो गाइस आज ये सब काम करेंगे भाई, लगता है क्या ये अपना एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा गाइस, क्योंकि भाई कंट्रोल अभी तक भी कुछ भी परेशानी नहीं है गाइस, बिल्कुल आराम से जो है जा रहा है। तो देखते हैं गाइस कोशिश करते हैं इसको वहाँ पर हम ले जाएं। तो यार मैं काफ़ी है अभी, तो भाई अभी आप देख सकते रहिए क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अभी कोशिश करेंगे गाइस क्या जा पाते हैं या नहीं। तो भाई एयरक्राफ्ट जो है अपना पलटने को तैयार है, लेकिन भाई बच गया। तो यार बिल्कुल शानदार तरीके से जो है भाई कंट्रोल कर रहा हो भाई साहब। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं गाइस अचानक से जो है अपने आप ही एयरक्राफ्ट में से जंप लग गया गाइस। वो तो मैंने इन्फिनिटी हेल्थ कर रखी थी भाई, पता लेकिन पता नहीं है क्या ही बच पाएगा या नहीं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई इतनी ऊंचाई पे था कि अभी तक भी जो है धरती नहीं दिखी है गाइस। तो भाई बहुत ही खतरनाक ऊंचाई पे है। तो गाइस फाइनली गाइस आप देख सकते हैं रैंप मुझे दिख चुका है, और ये खत्म। ओ भाई तो बच गया है गाइस, थोड़ा थोड़ा बच गया है। तो भाई हम वहाँ लैंड हम नहीं कर पा सकते गाइस, हमने जो है बहुत कोशिश कर लिया गाइस, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा पाए, और हम धरती से ही चांद को देख के खुश हैं गाइस।
तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।